अगर हमारी सरकार बने तो बिहार में डोमिसाइल कानून लाएंगे ताकि बिहार की युवाओं को पहले रोजगार मिल सके। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये खुद तेजस्वी जी ने 3 साल पहले कहा था। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही सुन लीजिए। सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर उनके राज्य के नौजवान अगर बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार दिलाए। तो कई ऐसे क्षेत्रों में देखा गया है तो अगर ये डोमिसाइल कानून आता है तो लगभग 85 से 90% बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी मिलेगी। और इस लड़ाई को हम वादा करते हैं नौजवानों से कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी तो सबसे पहले डोमिसाइल कानून को हम लोग लागू करेंगे। अब पलटू चाचा के साथ सरकार बनाने के बाद तेजस्वी जी खुद भी पलटू राम बन गए हैं। जी हाँ, सरकार में आने पर तेजस्वी जी ने युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा किया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बहाली की राह देख रहे थे। वो कभी आंदोलन कर रहे थे तो कभी पुलिस की लाठियां खा रहे थे तो कभी ट्विटर पर कैंपेन चला रहे थे। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि जिस तरह से पूर्व के 6 चरणों में बीटेट, एसटेट और सीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बहाली हुई थी उसी तरह से इन्हें भी नौकरी की सौगात मिलेगी। लेकिन अब सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर सरकार ने पानी फेर दिया है। दरअसल अब भर्ती की प्रक्रिया से डोमिसाइल हटा दिया गया है और बिहार से बाहर के लोगों को भी एंट्री दे दी गई है। नई नियमावली की वजह से तो पहले से शिक्षक अभ्यर्थियों में गुस्सा था जब उसमें कहा गया था कि टीईटी पास अभ्यर्थियों को अब एक और परीक्षा पास करनी होगी और अब यह बहाली प्रक्रिया से डोमिसाइल हटाने की बात यह शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। कहा बिहार के युवाओं को तो पहले दस्तखत से 10 लाख नौकरियां मिलनी थी लेकिन इतनी बार लाठियों की मार झेलने के बाद बिहार के युवाओं को तेजस्वी जी ने क्या दिया? दिया तो कुछ नहीं लेकिन इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ जरूर किया। लेकिन बिहार की जनता इन सभी चीजों को भूलने वाली नहीं है और इसका हिसाब भी जल्द ही लेगी।